तो भैया इस वक्त तुम्हें बटाली के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है दार्चिक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्यस लोग रहा करते थे। आज भी रहते हैं, लेकिन आज कुछ लोग किसी दूसरे तीसरे गांव में जाके बढ़ चुके हैं। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर आपको प्योर आर्यस इन चार गाँव के अंदर मिलेंगे। आर्यस कौन? एंशियंट टाइम के अंदर कुछ लोग मिडिल ईस्ट ईरान से अपने इंडिया के अंदर आते हैं, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कब्जा करते हैं, जीतते हैं। वैदिक काल के अंदर अपने हिंदू रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करते हैं जो वो करना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि घोड़े वो ले गए थे, उससे पहले अपने इंडिया के अंदर घोड़े नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर पहले से घोड़े थे। कुछ लोग कहते हैं कि यूरेशिया से आए थे, मिडिल ईस्ट से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि अपने इंडिया के अंदर ही थे, इंडिया से बाहर गए थे फिर इंडिया के अंदर आए। तो इसके बारे में ना मिथ बहुत, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप किसी दूसरे चैनल पर जाइए, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री बताने लगूंगा तो 3-4 घंटे भी कम पड़ जाएँ। मैं इस गाँव के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये गाँव फॉरनर्स की वजह से कैसे फेमस हुआ। जो आर्यंस थे इतने खूबसूरत थे कि पूरी दुनिया की जो लड़कियां थी वो यहाँ पे आना चाहती थी, इनसे मिलना चाहती थी, जो कि शादीशुदाएं महिलाएं लेडीज़ जो भी आप समझो, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर उनकी जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन, अमेरिका से, रशिया से, यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज से जो लड़कियां आती थी, वो चाहती थी कि उनकी आगे आने वाला जो जनरेशन हो वो बिल्कुल हूबहू आर्यंस जैसी दिखे। इसलिए वो यहाँ पे आके रुकती थी आर्यंस के साथ। क्यों? क्योंकि उनके आर्यंस का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर था ना वो बड़ा कोकेजन टाइप था। 6 फीट की हाइट, तगड़ा शरीर, ब्लू नीले कलर की आंखें, बिल्कुल गोरा चिट्टा रंग। ऐसे मान लो हॉलीवुड बॉलीवुड जो स्टार होते हैं ना वो उनके सामने पानी भरते थे उस टाइम। जिस होटल में मैं रह रहा हूँ, इस होटल के मालिक भी प्योर आर्यन है, तो उनके साथ हम गांव के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या सिस्टम हो, और शायद हम उन लोगों से भी मिलें जो उन फॉरनर्स से मिला करते थे। ये है इंडस रिवर, पानी का फ्लो देखें। अभी हम आए हैं ऊपर से, वहाँ से ऐसे ऐसे करते करते अभी हम जाने नीचे आगे जाके। चलिए चलिए। ऐसे गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, हाथ पकड़ने से गिर जाऊँगा, हाथ पकड़ने से गिर जाऊँगा। ओ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। फिसलन बड़ी जोर की है भैया यहाँ पे। जगह तो है तो डरने वाली। दार्चिक गांव का एंट्री गेट, अगर यहाँ पे आप पहले आते तो यहाँ पे आपको दरवाज़ा मिलता। अगर वो दरवाज़ा बंद होता तो आप पूरे इस गांव के अंदर कहीं से भी एंट्री नहीं ले सकते थे। आज की डेट में आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं, अभी तो फ़िलहाल दरवाज़ा नहीं है। यहाँ पे बड़ा सा एक लकड़ी का टुकड़ा, यहाँ पे ये था लॉक सिस्टम। अभी आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हो इस गाँव के अंदर, वहाँ से कहीं से भी। लेकिन ये चीज़ एंट्री के लिए हुआ करती थी पहले। पानी देख रहे हो, पानी आ रहा है ऊपर से। और ये है इंडस रिवर और आर्यंस वैली, इस रिवर की ये लोग पूजा करते हैं। यहाँ से प्रॉपर गांव स्टार्ट होता है इसके आगे। और ये देखिए आप, एप्रिकोट के पेड़, जैसे खुबानी, एप्पल, अखरोट और अंगूरों की बेल यहाँ पे तरीके से लगाई गई हैं। यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है। ये नीचे गेहूँ, ये देखें आप, हर जगह से पानी आता है यहाँ पे, हर जगह से। और जो खुशबू आ रही है एप्रिकोट के, अखरोट के पेड़ों की, ओए होए होए, मज़ेदार मज़ेदार। ये देखिए अभी चलते हैं आगे। ये देखो सीधा रास्ता है 2 मिनट का। अगर आप होटल से आते हैं तो 2 मिनट लगते हैं यहाँ पे, लेकिन हम आए हैं घूम के, जो कि पुराने तौर तरीके से यहाँ पे लोग आया करते थे। अभी यहाँ से काफ़ी सारे रास्ते जाते हैं गांव की ओर। ये जी गांव की एंट्री। हेलो जुल्ले, जुल्ले नमस्ते, जुल्ले जुल्ले। अरे क्या मस्त गांव है। सीज़न के अंदर ये जगह पूरी पिंक हो जाती है, रेड कलर की।
जब यहाँ पे एप्रिकॉट होते हैं, एप्पल होते हैं, और फ्रूट की जो खुशबू है ना, इस गांव की फीलिंग को अलग ही कर देती है। जो रहने का जो मज़ा है, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उनके साथ, जो खुशबू आती है पानी के अंदर भीगते हुए, हाय हाय हाय, क्या मस्त चीज़ है। तो अभी हम जा रहे हैं सरपंच के घर, वही पुराना, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानने के लिए आर्यंस के बारे में। जो पहले आर्यंस रहते थे फॉरनर्स के साथ, वो अभी है भी या नहीं, अगर है तो कहाँ है, वही छोटी मोटी हिस्ट्री। तो आइए थोड़ा सा आपको सरपंच का घर दिखाते हैं, सरपंच से मिलवाते हैं और चीज़ें सुनते हैं उनसे, इंटरेस्टिंग बातें। तो आइए हमारे साथ। जुले यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गधे पालते हैं, क्योंकि आर्मी को सामान पहुँचाने के लिए, सामान को लोड करने के लिए। वो देखें, दो राइड बैठी हैं, एक राइड खड़ी है। अंडी जी जुल्ले, ओ हेलो 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 हेलो, कहाँ भागे कहाँ भागे? ये है ये तिब्बती दाले लामा का, ये मनुष्य ये है रे, हाँ वो पोता, हाँ जी पोता रहे जी, तिब्बत का मैप है। हाँ तिब्बत का, कोई बोलते 100 आदमी आ गया, कोई बोलते 25 आदमी आ गया। तो वहाँ से ऐसे कोई लड़े झगड़ा जैसे तुम अब होता ना संसार में, तो उनसे धीरे धीरे यहाँ लोकेशन लद्दाख आते घूमते रहा, लद्दाख में भी चला गया, संस्कार में चला गया, करगिल शहर में भी घूमते रहा, फिर घूमते रहा, फिर उसके बाद ये लोकेशन उनको अच्छा नज़र आ गया। उस वक्त यहाँ पे जंगल था, घास बूरे सब कुछ जैसे श्रीनगर की तरह। तो लोगों ने काट दिया बेचारी, सब काट काट कर यहाँ से 4 किलोमीटर जाने के बाद जंगल जंगल लकड़ी लकड़ी मिले, बहुत अच्छा सिस्टम है ये जो। हाँ जी, आप ऐसा करो, ये घोड़े का ये लगाओ ना, मैं थोड़ा मेरे दोस्त आया तो इनसे बात करूंगा थोड़ा। ठीक उन दिनों क्या थी, लोगों के साथ दीवी दी होता, उनको साथ घूमता था, वो भी साथ रहते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे बुद्धि बढ़ाने, लोगों ने ऐसा सोचा कि हम उनके साथ कंबाइन अच्छा नहीं रहेगा, कि उनको अलग कर दिया थोड़ा सा। वो क्या क्या कि थोड़ा वो गलती सी बात निकल जाए, गंदे बंदे बातें, फिर इधर नीचे बिठा दिया, इधर से कंटा लगा दिया, कुछ ऐसे गड़बड़ बहुत कुछ किया, फिर उनसे अलग हो गया। फिर वहाँ से उस वक्त नेक निकली, लोगों को जो भी दिल में होगा वो हो जाएगा, तो होता भी था। तो फिर वहाँ से तीर नहीं होता, तीर वो उठा कर बैठा था वो। फिर उन्होंने बोला कोई हमारे पहाड़ी क्रॉस करके कोई नाला ये पानी निकाल कर हमको कहीं आबाद होने के गाँव बन जाए। उन्होंने ऐसे, अभी भी वो जिंदा है, वो दाना दा में है, वो ऐसे छेद हो गया उधर से, फिर उधर से पानी आकर दा बन गया, फिर दा दर से घर खोने के 4-5 गाँव बन गया। फिर ये लोग अरिया समाज के लोग कदीम जमाने में यहाँ रहते थे बस, फिर धीरे धीरे लद्दाख और करगिल बनना शुरू हो गया। लोग यहाँ के 4-5 बोले सबसे पुरानी गाँव हमारा डुप्पा बोलते, हम वो लैंग्वेज तो होता है डुप्पा, दर्दी अरिया डुप्पा, दर्दे दर्दी भी बोले डुप्पा बोले हमारा भूटिया, लेकिन हम कौन के समाज में आएगा उनको बोले लैंग्वेज लो। तो हमारे ऐसे बोली ये 2-4 गाँव में चलेगी बस, अभी तो आती तो है लेकिन आता है वो दया मजेदा आता है हमारे से। लेकिन हमारा क्या, ये बॉर्डर के आसपास नजदीक हो गया, कई साल तक ये जब 47 के बाद ये बॉर्डर बन गया तो ये ममनू करा दिया फौज ने, यहाँ कोई घूमेगा नहीं, इस तरह घूमेगा नहीं फरने वाला। फिर धीरे धीरे यहाँ आता था कदम जमाने में उनके, हमारे यहाँ का एक बूढ़ा कम से कम उनके साथ अंग्रेज का 12 साल बिता दिया उसने, 12 साल उन्होंने 12 साल उनके साथ शिमले में रहा बोलते हैं, 12 साल 12 साल यहाँ से चला गया साथ जाकर, शिमले में रहा उनके साथ रहा 12 साल बिता गया। फिर यहाँ से बड़े भाई जा करके वो खुद ले करके इधर आया। ऐसे बताते हमारे बाप दादा यहाँ से करके लद्दाख हमारे यहाँ गाँव से श्रीनगर में 7-8 दिन में पहुँचेगी, फिर उधर से हम जम्मू में 16 दिन में पहुँचेगी, फिर उधर शिमला में जाएगा तो 1 महीना से ऊपर लगेगा बस, मतलब 1 महीना लगा के वो पैदल लेकर जाकर वो शिमला में पहुंच गया। शिमला में अंग्रेज का दौर होता है, शिमला मंसूरी में अंग्रेज टाइप बोल रहते थे वो, तो आप हवा भी ठीक है, थोड़ा ठंडा सा जगह ना वो। तो फिर धीरे धीरे उसने लाए इधर, फिर उन्होंने एक परमिट दिया उसको कि ये साथ हमारा साथ रहा था, ये था वो था। फिर मेरा अगर वो नीचे बैठ गया वो, फिर एक दिन तो आ गया वहाँ शिमला से यहाँ आदमी, फिर बोला हमारे साथ, उसका नाम तशीश था, तशीश, तशीश हाँ तशीश।
तो बोला उसने टैक्सी को बोला, फिर बोला किसी ने बुलाया उसको, वो बेचारा इधर आने के बाद क्या हालत होती है उसकी, वो खाद निकालना मिट्टी के साथ, फिर वो अजीब जैसे बन गया। तो हमारा टैक्सी से मैं हूँ साहब, नहीं नहीं तुम नहीं, हम मना कर दिया उन्होंने। फिर वो नीचे जाकर उनके ड्रेस व्रेस लगा कर मुँह हाथ साफ करके तो गुड टू है तुम ही बस। फिर उसके बाद वो सारे पैकेट बिठाना, वो दिखाया तुम यकीन मानो ऐसे भी था ये। हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेज भी बताते ये, लेकिन ये ज़्यादा हम जैसे बोलते हैं कोई नस्ल के लाया था यहाँ पे। वो हमारे यहाँ भी थोड़ा टाइप था अंग्रेज टाइप, अंदर नीली आँखें। लेकिन देखो ना, जैसे जम्मू कश्मीर में आपने बेको नूरू तो देखा नहीं होगा, एक बेको नूरू था पंडित नीरू का चचा। हाँ जी, वो भी ऐसा हमारा तरह था। वो हट्टा कट्टा छः छः पाँच पाँच फुट होता हमारे यहाँ का आदमी लोग। अभी हम तीनों को तेरा छोटा नहीं है, बहुत हट्टे कर मान लीजिए, मुझे खुद को पता अभी 1790 साल ये जो इनकी उंगलियाँ वो इतना होती थी, इतना खूबसूरत मोटे। अभी सब पता नहीं चावल वावल खाने से सरसों फरसों खाने से हो जाए। तो पहले क्या खाते थे? पहले बहुत अपना खूबसूरत खुद खाएंगे, अपना खुद भी बकरी पालेंगे खुद की। हाँ जी। अच्छा, जो हमारे पास जो भी फसल निकलेगी उसमें ताकत बहुत होता है। अपना हमारे जो खाद के यूरिया में यूज करता है वो नीचे आपके टोन का वो कमी नहीं करेंगे। उस चीज़ से सब्जी फल फ्रूट बहुत अच्छा होता है। गिरी का खुमानी होता है, गिरी का तेल तेल होता है, ये तो ये निकाल के हम तड़का में वो यूज़ करते थे। तो अपना जैसे हमारे पास दूध होगा, मखान होगा, या कोई दही होगा, जो भी अच्छा अच्छा खाना खाना। उस वक्त उन दिनों इतना कोई बिजनेस का कोई सिस्टम ही था नहीं, शर्म करते बिजनेस से। पहले चीज़ अपना घर का सरमाया जो चीज़ें होगा ना खाएंगे पिलाएंगे कि बेचेगा नहीं, इस तरह ये वो रूल था। जैसे ये निडल है ना, ये सुइयाँ, ये सुई लाने का एक कारण होता है इसमें, इस किसी के नजर नहीं लग जाए, कोई बीमार शीमार नहीं होगा, ये होगा, इसमें सेब रखेगा शरीर को पर, ये भी एक चीज से करते हैं हम लोग। मतलब जिसका हस्बैंड मर गया हो तो उसको क्या करते थे? वो भी जाना पड़ेगा पानी उसमें आग में। अच्छा, वो भी साथ में जला देते? ये भी मुश्किल मुसीबत था। उसको अगर रह गया तो कोई वो उसका प्याली उल्टा रखेगा, उसके साथ कोई कोई हाथ से खाएगा नहीं, ऐसी प्रॉब्लम वाली बात। अभी 100 साल पास पास हो गया लेकिन उतना अच्छो नहीं बनता तो ये हम घंटे से नहीं बात तो जो भी इन पे जो भी अभी यहाँ पे दूध पिया जा रहा है सबके अंदर भैया। सरपंच वगैरह तो कह रहे हैं कि आज से 30-40 साल पहले एक हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हुआ करते थे, वो यहाँ से ट्रैकिंग करके एक महीने की शिमला जाया करते थे और फोनर्स के साथ रहते थे। फोनर्स उन्हें थोड़ा खर्चा पानी देते थे और वो वहाँ पे उनके साथ रहते थे। 10-12 साल बीते, 10-12 साल के बाद में सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, सोचा कि उस बुढ़ाऊ को लाया जाए वापस, वो तो वहाँ पे जाके बस गया। तो 10-12 साल के बाद में उन बुज़ुर्ग को यहाँ पे लाया गया और 3-4 साल बाद में उनके यहाँ पे डेथ हो गई। 2-3 लोग और भी थे, वो सब मर गए। अभी यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है, फॉरनर्स आते हैं सिर्फ घूमने के परस्पेक्टिव से। मतलब जो यहाँ पे इस गाँव के अंदर शादीशुदा लड़कियाँ हैं वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती इस पेड़ के पास से, है ना, ऊपर जा सकते हैं, ऊपर क्रॉस करके नहीं, ये इधर जा ही। अच्छा, इधर सीधा जा सकते हैं, इसको क्रॉस नहीं कर सकती पेड़ को किसी भी एंगल से, किसी भी साइड से, ना इधर से ना उधर से। तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसका एक महीने के बाद ईद मनाते हैं उसके दर्शन के। और ये ग्राउंड है, यहाँ पे मंठना एक फेस्टिवल होता है वो यहाँ पे मनाया जाता है, डांस वगैरह होती है।
थोड़ा गपशप मारो। चलो आपको ना मैं एक झूठी कहानी सुनाता हूँ। क्या कर रहा हूँ कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से बैठ जाऊंगा। चाल चाल है आजकल उधर ही। क्या हो गया? इंडिया का क्या हाल चाल है आजकल? इंडिया का हाल चाल बढ़िया है। मैं अभी मोदी के पास गया था तो बोल रहे थे कि आपका क्या हाल चाल है, पूछ रहे थे, तो उनको क्या बोलूं मैं? कहाँ जाएगा आप, मोदी के पास कहाँ पहुँचेगा? नहीं मैं जाके आया था, सही में जाके आया था मैं, लेकिन दो मिनट मिला, ज्यादा मिलने नहीं दिया मेरे को। कहाँ मिलेगा, ज्यादा आप सर के पास कहाँ टिकेगा? नहीं टिकेगा, कहाँ रखेगा? आंटी जी जुल्ले नहीं, नहीं चाय नहीं पिएगा। ये जी यहाँ पे प्योर अंगूर की वाइन, नीचे देख रहे हो, ये 1000 रुपीज की बोतल है। वैसे तो यहाँ पे छांग भी मिलती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल लोग बना नहीं रहे, तो ये स्टॉक की हुई है अंगूर की वाइन और छांग वगैरह। अभी थोड़ा टेस्ट करेंगे कैसा टेस्ट आता है इसका, फिर देखते हैं क्या बनता है इसका। असली वाइन मुझे लगता है इसी को बोलते हैं। क्या टेस्ट था, कोई भी ऐसा नहीं है इसके अंदर, कोई भी मिलावट है ऐसी वैसी। अगर आपको वाइन चाहिए बिल्कुल प्योर तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ये अंगूर से बनाई गई वाइन है। मैं इसकी तारीफ़ कितनी तारीफ़ करूँ, जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। अभी यहाँ पे मैं बैठा, इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ, इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया। इस साइड अंकल जी बैठ गए, इस साइड आंटी जी बैठ गए, बीच में मेरे को बिठा लिया। बेटा साथी नहीं है क्या तुम्हारा? मैंने कहा आंटी जी साथी नहीं है, अकेला आया हूँ। अकेला इतनी दूर, डर नहीं लगा? लास्ट में इनसे इनको मैंने ये कह के मतलब खड़ा हुआ कि आंटी जी अगली बार जब आऊँगा ना तो साथी लेके आऊँगा। ये बार बार पूछ रहे थे साथी लेके आना था, साथी के बगैर क्या होता है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है साथी के बगैर। तो लास्ट में मैंने इनको कहा कि आंटी जी अंकल जी अगली बार साथी आएगा, साथी को लेकर आएगा, तब जाके। यहाँ के लोग हैं ना बड़े स्वीट हैं, आपकी बड़ी खातिरदारी करते हैं, जो भी इनके पास चीज़ें हैं वो आपको ऑफ़र करते हैं। वाइन से इनकी इनकम होती है, जितने भी यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं उनसे इनकम होती है, लेकिन फिर भी आपको वो ऑफ़र करेंगे। तो ये बड़ी ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, आपको पहाड़ों पे मिलेंगे। अगर आप शहर के अंदर जाओगे ना तो आपको एक बूंद के भी पैसे देने पड़ेंगे कि बस अब एक बूंद आपने वेस्ट किए तो उसके पैसे। तो ये पहाड़ का और शहरों के अंदर फ़र्क होता है। आगे दर्शी जैसे गरकुल हनु, मतलब यहाँ पे शादियाँ होती है 18-20-22 साल की उम्र में, और पहले होती थी 10-12 साल की उम्र में। और जितनी भी शादियाँ होती है आर्यंस के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि अगर आप आर्यन तो आप आर्यन के ही साथ में शादी करोगे। तीन चार गांव हैं यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बताया, इस तीन चार गांव के अंदर ही शादियाँ होती है, बाहर ये लोग नहीं जाते शादी करने के लिए, तो आर्यंस की आर्यंस के साथ ही शादी होती है। गाँव के नाम ही इसी जो दीवार लगा इसी के ऊपर पड़ा। अच्छा, इस दीवार के नाम पे इस गाँव का नाम पड़ा था। जैसे ये गाँव का नाम है दर्चिक्स, दर्शिस का मतलब होता है इसको दंगसिस बोलते हैं, इसको दंग दर्शिस। ओके, हाँ, जो पत्थर लगाते हैं उसको दंग दर्शिस। अच्छा, पत्थर के ऊपर पत्थर लगाने को दंगचिक बोलते हैं। ओके ओके, ये भी पूरा गांव में ऐसे ही दिखाई देगा आपको कहीं भी। ओके, क्योंकि पूरा खेत जो है ऐसे लगा हुआ है पूरे, इसलिए गाँव का नाम भी इसी के ऊपर पड़ा हुआ है दर्शिस।